प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बेरनी प्रखंड परिसर में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार से प्रारंभ हो गया। धरना के माध्यम से ग्रामीणों की मुख्य तीन मांगे हैं। पहला, सार्वजनिक जमीन का फर्जी जमाबंदी रद्द करने एवं सार्वजनिक घोषित करना। दूसरा, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी के जमीन को सार्वजनिक घोषित करना। और तीसरा, पंजी 2 में छेड़छाड़ करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। वहीं धरने पे बैठे लोगों का कहना है कि सिमराढाव पंचायत अंतर्गत नवादा गांव के खाता नंबर 24 प्लॉट नंबर 355 में पुराना पंजी के पेज में 46 में दर्ज जमाबंदी गौरी देवी ग्राम जुरपा के नाम से था, जिसे छेड़छाड़ कर जयराम महतो ग्राम नवादा तथा रकबा में बदल दिया गया। वहीं अंचल कार्यालय से छेड़छाड़ के सत्यापित रिपोर्ट भी जारी की गई है। ग्रामीण वासुदेव यादव ने बताया कि जब तक फर्जी जमाबंदी को रद्द नहीं किया जाएगा, धरना समाप्त नहीं होगी और बाध्य होकर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। इस दौरान रंजित कुमार, दामोदर यादव, राजू यादव, वरुण यादव, द्वारिका यादव, त्रिवेणी यादव, सुखदेव यादव, जीवनी देवी, ललिता देवी, सरिता देवी, कौशल्या देवी, मुंद्रिका देवी समेत दर्जनों लोग अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे। वासुदेव यादव घर नवादा, क्या मामला है? मामला है, देखिए, फर्जी कागज बना करके छेड़छाड़ किया है। रजिस्टर 2 जो है छेड़छाड़ किया है। जमाबंदी कम है तो उसको बढ़ा करके बनाया गया है। किसके द्वारा बढ़ाया गया छेड़छाड़? किसके द्वारा किया गया छेड़छाड़? किया गया है जरा महतो वगैरह के नाम से। स्कूल है, इसमें आंगनवाड़ी है, खेल मैदान है, रैनीताल इसमें है। हम लोग तो सब मनाते आ रहे हैं पूर्वज से, और आज वो हड़पना चाहता है। इसमें ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों को कहना है कि सार्वजनिक घोषित हो, हम लोग सार्वजनिक करना चाहते हैं। धरना कब से प्रारंभ हुआ है? 10 बजे से, आज 10 बजे से। अभी तक कोई पदाधिकारी आए? कोई सूचना नहीं है अभी तक। कोई आप लोग से बातचीत करने? कोई बातचीत नहीं किया। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।